आज हम बनाने वाले हैं नवरात्रि स्पेशल साबूदाना खिचड़ी। साबूदाना खिचड़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। अक्सर जब भी हम साबूदाना खिचड़ी बनाते हैं तो वो बिल्कुल चिपचिपी चिपकी हुई सी, उसके दाने बिल्कुल चिपके हुए से बनते हैं, लेकिन आज हम बिल्कुल खिली खिली एक एक दाना बिल्कुल मोती की तरह खिला हुआ ऐसे वाली हम साबूदाना खिचड़ी बनाने वाले हैं। साबूदाना खिचड़ी खिली खिली कैसे बनेगी, उसके लिए मैं कुछ यहाँ टिप्स और ट्रिक्स आपको बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और हम कैसे इसको बनाएंगे। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं तो आप व्रत में इसे बनाकर खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, और व्रत में ही नहीं जब भी आपका मन हो आप इसे खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने एक कप साबूदाना, यानी कि इसको सागो भी बोलते हैं, टेपियोका सीड भी बोल सकते हैं, तो वो लेंगे और इसे हम 3 बार पानी से अच्छे से धो लेंगे, क्योंकि इसमें वाइट वाइट सा पाउडर निकलता है जो अलग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हमारे साबूदाना के दाने बिल्कुल एक एक खिला खिले बनेंगे। तो चलिए इसे हम छलनी से छान लेते हैं। 3 बार मैंने इसे धो लिया है, अच्छे से छान लिया है। अब मैं जो पहली आपको ट्रिक बताने वाली हूँ, टिप्स देने वाली हूँ, वो है कि हम इसमें कितना पानी डालेंगे। तो यहाँ मैंने 1 कप साबूदाना लिया है, तो 1 कप ही हम उसमें पानी डालने वाले हैं। साबूदाना बस हल्के से इसमें भीग जाएं। देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ, हल्का सा साबूदाने के बिल्कुल ऊपर तक थोड़ा सा पानी होना चाहिए, इसके ज़्यादा ऊपर तक पानी नहीं होना चाहिए। ये पहली टिप्स है, इससे साबूदाना बिल्कुल खिला खिला बनेगा। तो चलिए हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख देते हैं। 2 से 3 घंटे हो गए हैं, देखिए मैंने इसको छाना तो इसमें एक बूंद भी पानी नहीं मिला। अगर हम जितना साबूदाना लेंगे उतना ही पानी डालेंगे तो ये बिल्कुल खिले खिले दाने बनेंगे। तो चलिए अब हम खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई ली है और उसमें 1 बड़ा चम्मच घी डाल दिया है और 3 बड़े चम्मच मैंने यहाँ मूँगफली ली है, तो मूँगफली को हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे करीब करीब 2 से 3 मिनट तक, और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे हम जब तक मूँगफली को भूनेंगे, जब तक कि इसका कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए। तो देखिए मूँगफली का कलर चेंज हो गया है, अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी घी में मैं यहाँ 1/2 छोटी चम्मच जीरा डाल रही हूँ, 1 छोटी चम्मच यहाँ मैंने बारीक कटी हुई अदरक ली है, 2 मैंने यहाँ हरी मिर्च ली है जिसको बारीक कट कर लिया है वो डाल लेंगे, 5 से 6 मैंने यहाँ कड़ी पत्ता लिए हैं, अच्छे से हम भून लेंगे इसको। एक मैंने यहाँ बारीक कटा हुआ टमाटर लिया है, टमाटर अगर आप व्रत में खाते हैं तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसके बगैर भी बना सकते हैं। मैं यहाँ वही चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ जो हम अक्सर व्रत में खाते हैं, तो आप जो व्रत में नहीं खाते वो इस अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ मैंने 1/2 छोटी चम्मच सेंधा नमक लिया है, सेंधा नमक हम व्रत में खा सकते हैं। 1/2 छोटी चम्मच मैंने यहाँ काली मिर्च का पाउडर लिया है वो डाल लेते हैं। 1 मैंने यहाँ उबला हुआ आलू लिया है जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, ये डाल लेंगे। अगर आप कच्चा वाला आलू ले रहे हैं तो यहाँ 5 से 6 मिनट आप इसको ढककर पका लेना, लेकिन मैंने पका हुआ लिया है, उबला हुआ लिया है, तो मैं 1 से 2 मिनट इसको ढककर पका लूँगी। देखिए 1 से 2 मिनट हो गया है, चेक कर लेते हैं, आलू भी अच्छे से पक गया है और टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैंने यहाँ साबूदाना लिया है, देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, बिल्कुल सॉफ्ट इसके दाने हो गए हैं और एकदम खिले खिले, एक एक दाना बिल्कुल अलग अलग है। तो चलिए इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए जब भी हम साबूदाना को भिगोएं
तो हमें ध्यान रखना है कि उसमें कितना पानी हम डालेंगे। तो जितना हम साबूदाना लें उतना ही अगर पानी लेंगे तो साबूदाने का एक एक दाना बिल्कुल खिला खिला बनेगा। तो चलिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे ढककर हम 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे। देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और एक केक दाना बिल्कुल अच्छे से आप देख पा रहे होंगे पहले से ज़्यादा पका हुआ और एकदम ट्रांसलूसेंट दिख रहा है। अब हमने जो भून कर रखी थी मूंगफली वो डाल लेते हैं। और यहाँ मैंने मूंगफली का पाउडर लिया है। मूंगफली को पहले मैंने भून लिया है, उसका छिलका निकाल के उसका पाउडर बना लिया है और हल्की सी मैंने इसमें पिसी हुई चीनी मिला दी है। ये आप एक बार इस्तेमाल करके देखना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आपकी खिचड़ी लगेगी और आप इसे व्रत में खा सकते हैं। यहाँ मैंने 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस लिया है, इससे हल्का सा खट्टापन आएगा जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट देगा। और यहाँ मैंने 2 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है, उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ढक कर 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर और पका लेंगे। देखिए 1 से 2 मिनट हो गए हैं और बहुत ही अच्छी खिचड़ी बनकर तैयार हुई है। एक एक दाना बिल्कुल खिला हुआ है। तो अब हम गैस को बंद कर लेंगे और खिचड़ी को अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। खिचड़ी बनकर बिल्कुल तैयार है, चलिए हम सर्व कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी एकदम खिली खिली खिचड़ी बनकर तैयार हुई है। देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ मैंने कुछ अनार के दाने लिए हैं, उससे हम इसको गार्निश कर देंगे। अनार के दाने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं इसमें। और थोड़े से मैंने यहाँ धनिया पत्ती ली है, थोड़ी सी मैंने यहाँ स्लिट की हुई हरी मिर्च ली है। देखिए आप गार्निश अपने हिसाब से कर सकते हैं। खिचड़ी एकदम तैयार है, आप इसे खा सकते हैं और व्रत में बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी भी लगती है। आप इसे दही के साथ खा सकते हैं, जब भी आपका मन हो आप कभी भी इसको नाश्ते के रूप में ले सकते हैं। तो चलिए आप भी बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो आप भी बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ ढेर सारे लाइक कीजिए और आप इसे शेयर कर सकते हैं फैमिली में, फ्रेंड में, सोशल साइट पे आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आप मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।